तो टॉप 25 के बाद मॉर्निंग जी में आपको 8 बजे की 5 बड़ी खबरें विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। ये आपको हम बताते हैं। पहली खबर ये है कि चीन के उत्तरी लद्दाख के डेपसांग में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और खबर ये कि दिल्ली की आवाज बुलंद लेकिन एक्शन पर नियंत्रण रखें। चीन के खिलाफ पराक्रम देख घबरा गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत, ये कहा है शाह महमूद कुरैशी ने। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के लिए खतरा है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आगे विस्तार से बात होने वाली है। तो भारत ने गलवान में जो पराक्रम दिखाया है उसे चीन से लेकर पाकिस्तान तक भारत का खौफ चल रहा है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि दिल्ली की आवाज बुलंद है लेकिन भारत अपने एक्शन पर नियंत्रण रखे। भारत ने बता दिया है कि हम तैयार हैं और लद्दाख में भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन से अपनी तनातनी से विश्व का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो आप सोचिए कि ऐसा लग रहा है कि चीन गलवान के बाद भारत से उत्तरी लद्दाख में टकराव चाहता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गलवान के बाद अब एक और मोर्चा खोलने की साजिश चीन ने रच दी है। चीन ने अब लद्दाख के डेपसांग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दरअसल डेपसांग के जरिए चीन की साजिश काराकोरम रेंज में भारत की पेट्रोलिंग में अड़ंगा लगाने की हो सकती है। आप समझिए इस मंशा को। लेकिन चीन को गलवान के बाद एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये नया भारत है जो अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.